उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को अपनी जमीन से मिट्टी निकालने की छूट क्या दे दी। खनन माफियाओं की चांदी हो गई और खनन निरीक्षक जिला अधिकारी बलरामपुर को गुमराहगढ़ मिट्टी खनन फ्री होने की बात बताकर सरकारी जमीन पर जेसीबी चलाकर माफियाओं की मिलीभगत करके अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। विकास खंड श्री दत्तगंज में ग्राम सभा आ गया बुजुर्ग में सरकारी तालाब की जमीन से जमकर जेसीबी मशीन और दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची मीडिया टीम ने जब सरकारी जमीन पर हो रहे खनन के बारे में पूछा तो खनन करा रहे बाबूराम यादव ने खनन निरीक्षक का नाम बताकर बताया कि खनन फ्री है, कहीं से भी किसी भी जमीन से मिट्टी खुदाई की जा सकती है और खनन निरीक्षक से पूछकर उनके जानकारी में मिट्टी खुदाई की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन जेसीबी, बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली और सरकारी जमीन सब अवैध है, मगर खनन निरीक्षक का सह हो तो भला गलत कैसे हो सकता है। खनन करा रहे बाबूराम यादव जी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भतीजे जिला अधिकारी बलरामपुर कृष्णा करुड़ेश के सलाहकार दीपक नरेश का नाम बताकर मीडिया कर्मियों को अर्दब में भी लेने की कोशिश की। इससे साफ जाहिर होता है कि जिला अधिकारी को मिट्टी खनन फ्री बताकर जिलाधिकारी बलरामपुर को खनन निरीक्षक गुमराह करके और उन्हीं के कार्यालय के आसपास बैठे लोग जिलाधिकारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या खनन माफियाओं पर कार्यवाही होगी, ये एक बड़ा सवाल है। खनन निरीक्षक से जब बात की गई तो उन्होंने हर तरह की मिट्टी खुदाई की, फ्री होने की बात कही और इससे ज्यादा बात नहीं करने की बात बताई। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी बलरामपुर से बात करनी चाहिए तो उनका नंबर नॉट रिचेबल आ रहा था।